स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको पढ़ते समय स्लीप को कैसे आप अवॉइड कर ले। सो क्या आप अक्सर मैंने ये सुना है और मैंने अपने कमेंट्स में ये पढ़ा है कि मेरे को पढ़ते वक्त मुझे काफी नींद आ जाती है। तो यदि आपको पढ़ते वक्त नींद आती जाती थी, उसके लिए क्या सोल्यूशन है, आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे उस नींद को आप अवॉइड कर सकते हैं, और आपको पढ़ाई में इसकी वजह से काफी लॉस भी झेलना पड़ता है क्योंकि आप अपने नींद को नहीं अवॉइड कर पा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और पता करते हैं कि आप इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो पहला मेजर रीजन है कि लाइटिंग। सो अगर आपके रूम में यानी कि इनफ लाइट नहीं है, सो चांसेस है कि आपको लाइट कम होने की वजह से नींद आ रही है, या आप इस ऐसे एरिया पे बैठे हुए हैं, या आप यहाँ पोजिशन है कि जहां पे आपको नींद आवश्यक है कि आ ही जाएगी। आप सोफे पे लेट के पड़ रहे हैं तो आपको नींद आ जाएगी, यदि आप बेड पे लेट के पड़ रहे हैं तो आपको नींद आ जाएगी, अगर आपके रूम में लाइट कम है तो। ठीक है, सो सिर्फ पोजिशनिंग के अलावा आपका मेन रीजन है कि आपको लाइटिंग कितनी आ रही है आपके रूम में। अगर आपके रूम में नेचुरल लाइट आ रही है, दिन भर आपके लाइट आ रही है और आपने रूम की लाइट सफिशियंट है, तो आपके चांसेस है कि आपको लाइट से कोई इशू नहीं है और आपको नींद कम आएगी यानी कि ना के बराबर आएगी और आप अपनी पढ़ाई पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आपको चीज है जिस वजह से आपको नींद आ रही है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया कि हो सकता है कि आप पोजिशनिंग आपकी गलत है। पोजिशनिंग से मेरा क्या मतलब है, पोजिशनिंग से मेरा मतलब ये है कि आप बेड पे या सोफे पे लेट के पढ़ रहे हैं और आप ठीक से पढ़ाई कर नहीं रहे, यानी कि आप टेबल पे बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं, आप कहीं पे भी बैठ के पढ़ रहे हैं जहां पे आपको नींद आने के ज्यादा चांसेस, जैसे कि सोफे पे लेट के पढ़ना, बेड पे बैठ के पढ़ना, सो इन पे ज्यादा चांसेस है कि आपको नींद आ जाएगी क्योंकि ये हमें कंफर्टेबल जोन में ले जाता है और इसमें कंफर्टेबलनेस की वजह से हमें नींद आने के ज्यादा चांसेस जाते हैं। सो इसको अवॉइड करने के लिए बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, आप अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ जाइए, आप किसी एक टेबल चेयर को लेके बैठ जाइए, वहां पे जाके आप बैठ के पढ़ेंगे तो आपको स्लीप नहीं आएगी यानी कि आपको नींद नहीं आएगी, आप नींद को अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा मेजर रीजन ये है कि आपको उस सब्जेक्ट में ही इंटरेस्ट नहीं है। यदि आप पेपर दे रहे हो और आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, सो आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाने की जरूरत है ताकि आप पेपर में भी आप उसका आंसर बेटर लिख पाए। साथ ही साथ आपको ये भी जरूरी है कि आपको वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो कि आप उसके बारे में जब पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको उसको समझना है। सो उस वजह से आपको नींद आ रही है क्योंकि आप बस पढ़े जा रहे हैं और आप उसको मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं रैदर देन उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मैथ्स के फॉर्मूला को आप रट तो लेंगे लेकिन उसका एप्लीकेशन कहाँ पे करना है, कैसे करना है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। यदि आप हमारी गणित ज्ञान वाली क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उसमें आपको हमारे आदित्य सर 9 PM पे अंडरस्टैंड करवा देंगे कि आप उनको क्वांट में आप अपना स्कोर कैसे हाई कर सकते हैं हर सब्जेक्ट के क्वांट में। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको ये जरूरी है कि आप उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करें, आप उस सब्जेक्ट में पढ़े, और अगर आपको इंटरेस्टिंग फिर भी नहीं लग रहा है तो आप उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए। बट ये ध्यान रखिए कि आपको बस उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, तो आप रिसर्च उतनी ही लिमिटेड रखिए। यदि आप करंट अफेयर का टॉपिक सर्च कर रहे हैं और आपको इंटरेस्टिंग ज्यादा ही लग रहा है, सो आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैं ज्यादा उस फ्लो में ना चले जाऊं कि मैं उसके बारे में ही पढ़े जा रहा हूं और अपने सब्जेक्ट से मैं भटक चुका हूं यानी कि मैं उससे दूर हो चुका हूं, मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, अब उसको या आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे पता लगेंगे, आप डेली करंट अफेयर क्लास हमारी यूट्यूब चैनल पे होती है, वहां पे जाके देख सकते हैं डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनके बारे में सुरेंद्र सर हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, या फिर आप हमारी ऑनलाइन तैयारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे आपको सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे मिल जाएंगे जो कि डेली अपडेट होते हैं सिर्फ आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, और आप उनका फायदा उठा सकते हैं। ऐप और वेबसाइट दोनों पे अवेलेबल है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका। सो यदि आप इसको ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप हर चीज का नोट बनाएं। नोट नहीं बन रहा तो आप कहीं होंगे पे उसको मार्क कर लीजिए, अगर मार्किंग भी नहीं हो रही तो मार्क भी नहीं हो रहा तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, आप किसी भी फॉर्मेट में उसको रखने एक अलग सा बेस रखिए अपना जहां पे आप रेफरेंस के लिए आप यूज कर सके, चाहे आप उसको पेन डाउन कर लीजिए, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, या फिर आपने अपने ऐप पे लिख लीजिए, या किसी नोट्स वाले ऐप पे लिख लीजिए, या फिर अपने डेस्कटॉप पे स्टिकी नोट्स पे लिख लीजिए। सो वो आपकी चॉइस है, आप कहीं पे भी नोट को कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नोट्स क्रिएट करना हर टॉपिक के लिए बड़ा बहुत लेंथी सा काम है और फिर से आपको इसी वजह से स्ट्रेस हो रहा है और नींद आने के चांसेस बढ़ रहे हैं आपके, तो आप उसको अवॉइड करने के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया आप करंट अफेयर्स का करंट अफेयर क्लास अटेंड कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पे जाके हमारे जो भी आपके डाउट्स वाले क्लासेस हैं आप उनको अटेंड कर लीजिए, उनसे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे।
जनरल अवेयरनेस की, जीके की, सबकी क्लास अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, उनको जरूर से अटेंड करिए। इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश की क्लास अटेंड करिए। मनीषा मैम की क्लासेस चल रही है आपकी, रोज शाम 5 बजे जाती है, ठीक है, हर ऑल्टरनेट डेज जाती है, आप उसको अटेंड करिए, आपके इंग्लिश के डाउट्स क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको जब डाउट्स क्लियर होंगे, आपके स्ट्रेस नहीं होगा, तो आपको नींद कम आएगी, अपने पढ़ाई में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने रिजल्ट अच्छा कर सकते हैं, अपने रैंक तक ला सकते हैं आप उसके लिए, ठीक है। अपने एग्जाम में आप रैंक ला सकते हैं, सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आप अपने एग्जाम में रैंक ले आए। और अगर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा सिर्फ मेरे को एग्जाम क्लियर करना है। और मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे बस एग्जाम क्लियर करना है तो ज्यादा आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप उस चीज को आप उतना ही पढ़ेंगे कि आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो याद रखने हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट लेके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखने हैं। तो ये सारी चीजें, ये चारों पॉइंट्स में कवर हो गई है, नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि साथ ही में चले जाएंगे, ठीक है। डोंट स्टडी टू मच, यानी कि कुछ ज्यादा मत पढ़िए। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप अपना फोकस रखिए, आप इम्पोर्टेंट चीजें पढ़िए, आप इम्पोर्टेंट चीजों को प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए उन चीजों का, जैसे कि आप ऑनलाइन थ्योरी पे जाके, ऐप पे, वेबसाइट पे जाके उनके मॉक टेस्ट दे सकते हैं, सेक्शनल हो गए, फुल लेंथ हो गए, आप सब मॉक टेस्ट दे सकते हैं, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और आपको मॉक टेस्ट देने के बाद में रिजल्ट भी पता लग जाएगा। इससे क्या होगा, जब आप पढ़ रहे हैं तो आप उसका रिविजन भी कर रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा लेकिन मैं स्मार्ट स्टडी कर रहा हूँ। स्मार्ट स्टडी से क्या हो रहा है कि मैंने जो पढ़ा है मैंने उसको प्रैक्टिस कर लिया, अब ये होता है स्मार्ट स्टडी। अब टॉपर ये नहीं कहता कि आपका आपने ये पढ़ लिया और मैं उसके बाद और पढ़ू, अब मैंने पढ़ लिया है तो उसको मेरे को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ताकि मैं अपना स्टेटस जान सकूं, मुझे कितना याद हुआ है, मैंने कितना, मेरे को अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुआ है, ये सब मुझे मॉक टेस्ट से मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके मुझे अपने कितना आगे प्रैक्टिस करना है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस सब पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ, और इस वजह से मेरी सोने की जो आदत है वो भी चले आएगी, क्योंकि मैं अपने आप को एनालाइज करते हुए पढ़ रहा हूँ, ना कि मैं बस पढ़ने के लिए पढ़ रहा हूँ। तो ज्यादा मत पढ़िए, सिर्फ स्मार्ट स्टडी करिए और स्मार्ट स्टडी करके आगे बढ़िए। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि दो रिलेटेड पॉइंट्स है कि स्टडी एवरीडे मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने पढ़ाई के पैटर्न में या स्टडी प्लान में ब्रेक मत करिए। जैसे आपने अपने आपको स्टडी प्लान बना के बनाया हुआ है तो उस स्टडी प्लान को रिलीजियसली फॉलो करिए। जैसे कि आपका कोई ओकेजन होता है उसको रिलीजियसली आप फॉलो करते हैं, ठीक है, या आपका कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि आपको एग्जाम के टाइम पे आपको स्टडी प्लान को ब्रेक नहीं करना है। अगर आपको स्टडी प्लान क्रिएट नहीं करना आता है तो आपको मैंने हर एग्जाम का स्टडी प्लान डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारे फ्री पीडीएफ पेज पे जाके स्टडी प्लान डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम वाइज स्टडी प्लान बने हुए हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्जाम एक्सपर्ट ने ये स्टडी प्लान बनाए हैं, जैसे कि रेलवे का आदित्य सर ने बनाया है, एसएससी का वर्षा मैम ने बनाया है, और आदित्य सर ने भी बनाया है इंग्लिश का, इंग्लिश मैम ने बनाया है जो हमारी मनीषा मैम है, और ऐसे आपको बहुत सारे स्टडी प्लान मिल जाएंगे, एग्जाम वाइज स्टडी प्लान मिल जाएंगे। तो इन स्टडी प्लान का आप लुफ्त उठाइए, इनको रिलीजियसली फॉलो करिए, और आपके एग्जाम में स्कोर करने के ज्यादा चांसेस हैं कि आपका स्कोर ज्यादा आएगा अगर आप इन स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास बेटर स्टडी प्लान है या आप इससे बेटर स्टडी प्लान, तो उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप बस स्टडी प्लान फॉलो करें किसी एक का, ये जरूरी है कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो अगर आपका रिजल्ट आपको बेटर करना है तो आप एक रिलीजियसली एक स्टडी प्लान को फॉलो करिए। अब आपको स्लीप अवॉइड करने से स्टडी एवरीडे का क्या रिलेशन है, मैं ये बताता हूँ कि अगर आप रोज स्टडी कर रहे हैं तो आपकी मेमोरी में वो ज्ञान अंदर जा रहा है, वो आपको रिटेंशन बढ़ रही है आपकी, आप उसी टॉपिक को भी अगर दोबारा से नेक्स्ट डे पढ़ेंगे तो आपको वो मेमोराइज हो रहा है, क्योंकि होता ये है कि जो हमने देखा है वो हमें 50% याद होता है, जो हमने देखा और सुना है हमें 50-70% याद होता है, जो हमने देखा सुना और प्रैक्टिस किया है वो हमें 90% याद होता है। सो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको चांसेस है कि आप ज्यादा स्कोर करेंगे आपके कॉम्पिटिटर से, ठीक है। उसी तरह से अगर आप रेगुलरली पढ़ेंगे, आप स्टडी मतलब रोज पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा चांसेस है कि आपका स्कोर आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा आ जाएगा, आपका रिजल्ट आपके कॉम्पिटिटर से बेटर आएगा, भले ही वो कॉम्पिटिटर आपका फ्रेंड या रिलेटिव ही क्यों ना हो। अब मैंने आपको बताया कि दो पॉइंट रिलेटेड थे, अब उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर आपको, जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ब्रेक में आपको क्या करना है, आपको रिफ्रेशमेंट्स लेनी है, यानी कि आपको कभी आपने पानी पी लिया और आपने हाइड्रेटेड रह रहे हैं तो उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और आपको नींद कम आएगी। जब आप बीच में रिफ्रेशमेंट लेने जा रहे हैं तो आप वॉक करके जा रहे हैं, या फिर अगर आपके टेबल पर पहले से ही पड़ा हुआ है तो भी आप एक फोकस लेवल से आप ब्रेक कर रहे हैं,
इससे आपका फोकस ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन आपका फोकस वापस जब आप उस पर पढ़ने जाएंगे तो ज्यादा रहेगा। सो अगर आप बीच में रिफ्रेशमेंट लेते रहेंगे और अपने आप को बॉडी को रिलैक्स करते रहेंगे, माइंड को रिलैक्स करते रहेंगे, तो आपको मेमोरी आपकी बेटर हो जाएगी और आपको जो याद रखना है उसको एक्चुअली में आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज। यदि आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि जो डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी, उनका आउटपुट, उनकी मेमोरी सब कुछ कंपेयर टू जो नहीं करते हैं एक्सरसाइज उससे बेटर रहता है। सो यदि आप थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज कर ले डेली, सो उससे भी आपकी स्लीप अवॉइड हो जाएगी, आपको पूरा दिन फ्रेश फील होगा। और एक्सरसाइज में ये भी हो सकता है कि आप सुबह सुबह बस वॉक पे चले गए, ठीक है, तो 10 मिनट की वॉक पे हो चले गए, तो उससे ये हो जाएगा कि आप पूरा दिन फ्रेश फील करेंगे, ठीक है, उससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि मुझे स्लीप नहीं आ रही है, मेरे को नींद नहीं आ रही जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा कि आप पढ़ रहे हैं, आपने रिफ्रेशमेंट भी ले लिया है, लेकिन आपको फिर भी नींद आ रही है, सो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपने टेबल से उठें और रीड अलाउड करें, यानी कि आप उसको जोर जोर से पढ़ें, कोई सब्जेक्ट ऐसा चूज कर ले जिसमें आप जोर जोर से पढ़ सकते हैं, हाँ, और उस सब्जेक्ट को आप पढ़ें और उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें उस मोमेंट के लिए। बाद में आप चाहे तो वापस अपने जिस सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस कर रहे थे उस पर वापस आ सकते हैं। इससे ये होगा कि आपने कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक भी नहीं किया, आपको दूसरी चीज याद भी हो रही है, और बाद में आप वापस आके देखेंगे तो आप ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना याद है। सो इससे आपका डबल मुनाफा हो रहा है और आप इससे याद भी आपको ज्यादा होता है। सो अगर आपको स्लीप अवॉइड करनी है तो आप इनमें से टिप्स अपनाएं और अपनी डेली रूटीन में ऐड करें और उससे आपको स्लीप अवॉइड हो जाएगी, यानी कि आपको नींद अवॉइड हो जाएगी जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए अभी इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।